आप कहते हैं प्लीज एक सॉन्ग प्ले कर दें, ठीक हो गया इस्माइल, आपका सॉन्ग प्ले करते हैं। मेरी बिरहन रू, मैं तो हो गई रे दीवानी सैया, हो गई रे दीवानी। कुछ जूबी हैं जनाब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कहते हैं हाउ आर यू, शो इज वेरी नाइस एंड योर वॉइस इज सो ब्यूटीफुल एंड सलाम टू आवर लिसनर। थैंक यू वेरी मच जूबी, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मैं ठीक हूँ जूबी, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बहुत अरसे के बाद आप हमारे शो में शामिल हो रहे हैं, किधर गायब थे आप? सना मैं जनाब, कहते हैं कि मेरे एम्स आपको पता है मैम जी, तो ओ सना मुझे आई नो आपके एम्स पता है, अल्लाह आपको उनमें कामयाब करे। जुबी राजपूत अगेन है, कहते हैं दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी फैमिली को हमेशा खुश और सलामत रखे और जिंदगी की तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया जुबी इतनी सारी खूबसूरत सी दुआएं देने के लिए, आप भी खुश रहें, आबाद रहें, जीते रहें। यासर अगेन कहते हैं थैंक यू, आपने याद रखा, मेंशन नॉट यासर, बट आपने ये नहीं बताया कि क्या बनना चाहते थे आप, एम्स क्या है आपके। अभी सिर्फ दो लोगों ने मुझे बताया है कि हम लोग ने कल नाइट में क्या खाया और हम क्या हैं। अबाउट टॉपिक क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये भी तो बताएं। जुबी राजपूत है, कहते हैं मैम प्लीज सॉन्ग प्ले कर दे, मोहब्बत की कहानी में कई मोड़ आते हैं, प्लीज 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 प्लीज। जुबी इतने ज्यादा प्लीज, जरूर प्ले कर दूंगी, बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। जी जनाब, देखते हैं कि अगला मैसेज हमारे पास किसका है। सॉन्ग प्ले कर रहे थे हम क्योंकि हमारा पिछला सॉन्ग ऑफ हो चुका था। इस्माइल है जनाब, अगेन कहते हैं मैम प्लीज मेरी एक फ्रेंड आपकी बड़ी फैन है उसे एक सलाम कह दे, उसे लिटिल पैक कहता हूँ मैं, तो सलाम कह दिया हमने इस्माइल उनको, बहुत शुक्रिया मैसेज करने का, जीते रहे आवाज रहे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे आप। हर शख्स ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया मुझे, हर शख्स ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया मुझे आरजे शाल, और मैं समझता रहा कि लोग मुझे पसंद करते हैं। जुबी ये दुनिया है, इस दुनिया में ना हर कोई बस इस्तेमाल ही करता है। पसंद तो बहुत कम लोग करते हैं, बस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको छोड़ के चले जाते हैं। सादिया तहमूर है, कहते हैं सलाम जी क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, हम ठीक है सादिया तहमूर, आप सुनाएं आप कैसी हैं? कहते हैं आपके शो में पहली दफा आई हूँ, कोई भी अच्छी सी अपनी मर्जी का सॉन्ग लगा दे। और कहते हैं मुझे पाक फौज में जाने का बहुत शौक था, मतलब गई नहीं है सादिया। तो सादिया फिर आपने अब क्या बनी है, क्या आपने अपनी लाइफ का एम आपका था फौज में जाने का, तो फिर आप भी कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी या घर में ही रहती हैं, क्या करती हैं जरूर बताइएगा मुझे सादिया, और अपनी पसंद का सॉन्ग लगा देंगे और आपको डेडिकेट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने का सादिया, जीती रहे। जनाब कहते हैं काइंडली प्ले दैट ट्रैक जुदाइयां, बिलाल सईद की आवाज में। कहते हैं ध्यान से सर्च कीजिएगा, हर बार की तरह कोई और प्ले ना कर दीजिएगा यासर, ये हमेशा आपके साथ ही ऐसा होता है कि आप जो सॉन्ग कहते हैं वो वाला जब भी मैं प्ले करती हूँ तो वो कोई और ही सॉन्ग प्ले हो जाता है, उसके साथ मिलता जुलता सॉन्ग प्ले हो जाता है। बहरहाल आज ये वाला सॉन्ग इंशाल्लाह जरूर प्ले होगा।
सादिया गेन मैसेज करती है, कहते लास्ट टाइम जो मैंने चीज खाई थी वो थे बिस्किट, सो मैं बिस्किट हूँ टेस्टी वाला। ठीक हो गया जनाब, सादिया बिस्किट है। बहुत शुक्रिया सादिया आपके मैसेज करने का। जी जनाब वेलकम बैक। हवा के दोस्त से जो आवाज आपके हसीन समातों से टकरा रही है उसे कहते हैं शाल खान, और आपको क्या कहते हैं बताना है आपने हमें मैसेज पे। 10 हो चुके हैं जनाब और हमारा लाइव कॉल का सिलसिला 10 बजे आधा घंटा हमने लाइव कॉल लेनी होती हैं, तो काफी सारे लिसनर जो हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं, तो लाइव नंबर मैं बता देती हूँ 03081259494। और बाकी जितने भी मैसेजेस आपके आ चुके हैं वो सारे मैसेज मैं रीड करूंगी लेकिन लाइव कॉल्स के बाद। शायद इन्हीं का शेयर होना है मेरे ख्याल में, और उन्होंने अपने नाम से शामिल कर दिया तभी इनको ज्यादा गुस्सा आया। बहरहाल कोई बात नहीं, जफर इकबाल भाई होता रहता है ऐसे, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल चाल? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन कहाँ से? जी मलक जफर आवाज़ आता हूँ, राजर तो बात कर रहा हूँ। जी सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह पाक का करम है, आप सुनाएं। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। राजर तो बोल नहीं, जो मैंने आज का तारुफ क्या रखा हुआ था, आप हमारा शो आई थिंक नहीं सुन रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, दोबारा मैं बता देती हूँ। आज का तारुफ आपने ये बताना है कि कल रात आपने एंड पे क्या खाया था। एंड पे दूध दिया था। चलें जी हमारे साथ मतलब शामिल शो में दूध है। ठीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे? जी अताउल्ला का गाना सुना दे। जी ठीक हो गया, जरूर प्ले कर देंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, मतलब सिर्फ सॉन्ग प्ले करवाने के लिए आप मेरे शो में शामिल हो रहे हैं। आप लोग मेरा शो तो सुन ही नहीं रहे। अब अगला जो कॉलर मेरे साथ शामिल होगा वो सिर्फ मुझे ये बताएगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन वही करवाएगा जो हमने कहा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ आलू पालक शामिल है जनाब सरगोधा से। कैसे हैं सर आप? कैसी है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अबाउट टॉपिक? क्या है मैं आपकी जिंदगी का? जिंदगी का है मैं बिजनेसमैन। क्या? बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। सही हो गया, गुड। तो अभी क्या करते हैं आप? अभी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको बिजनेसमैन बनाए इंशाल्लाह। जी आमीन। थैंक यू वेरी मच, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। जीते रहे, खुश रहे। जी जनाब ये थे हमारे साथ आलू पालक सरगोधा से। अब देखते हैं कि कौन हमारे साथ शामिल होते हैं, क्योंकि 10 मिनट और मैंने कॉल्स लेनी है और उसके बाद आप लोग के मैसेजेस शामिल करने हैं। काफी सारे मैसेजेस हैं जो रह जाएंगे, नहीं तो थोड़ी थोड़ी आपसे बात सबसे गपशप होती है। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कौन कहाँ से? अब्दुल सतार गोलेवाली। जी सर क्या कहेंगे अबाउट टॉपिक? टॉपिक के हवाले से ये कहना चाहेंगे कि रात के वक्त सोने से पहले के नहीं सोने के बाद सोने से पहले आपने क्या खाया था? वैसे पहले तो खाना खाया था। तो खाने में कुछ होगा ना, क्या खाया था, नाम भी तो होगा। अंडा। अंडा, तो हमारे साथ अंडा है जनाब। अबाउट टॉपिक क्या कहना चाहेंगे? एम क्या है आपकी जिंदगी का, क्या बनना चाहते हैं? मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं क्रिकेट में जाना चाहता हूँ। क्रिकेट में जाना चाहते हैं, क्रिकेट मैन बनना चाहते हैं। जी चले जी, अल्लाह आपको बनाए। ऐसे बाजी एक सॉन्ग तो प्ले कर देना, पिछली बार भी आपने नहीं प्ले किया था। कौन सा सॉन्ग? सॉन्ग दिल ढोला ते तू सिवा के छाया रे। दिल ढोला। जी अच्छा ठीक है, मैं अगर इधर प्ले ना हुआ ना तो आप 103 पे सुन लिया करें, क्योंकि 10 मिनट टोटल रह गए हैं। 103 पे मैं जरूर लगवा दूंगी। बहुत शुक्रिया जी जनाब। लास्ट 10 मिनट जो होते हैं वो कॉल्स के होते हैं, तो उसमें जो आप सॉन्ग कहते हैं ना वो 103.6 पे मैं जरूर प्ले करवा देती हूँ, वहाँ से आप बेशक सुन सकते हैं।
और जनाब देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन कहाँ से? जी नौ बात ठंडी से कैसे रोड के साथ अब्दुल वहीद बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल वहीद कैसे हैं आप? ठीक है भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम है। बीमार हुआ हूँ, अभी लेटा हूँ घर पे। अच्छा जी ठीक हो गया। सुन रहा था आपका, तो कैसा लग रहा है आपको हमारा शो? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया? नहीं हमने तो तारुफ रखा है। लगातार कॉल शामिल करना ये भी एक मुश्किल काम है मेरे ख्याल में। माहीन और बाकी साहब ठीक करते हैं जो कॉल शामिल नहीं करते। आई थिंक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इशाल बहना, मैं जफर हूँ। वो मेरे दोस्त के लिए एक तो दुआ कर दे, लेकिन वो मेरा दौरा नहीं था। अच्छा चले ठीक हो गया। वो मार रिया सियाल साहब, वो फोत हो गया मरूम मार रिया सियाल। अच्छा 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 ठीक है, बस मेरे दोस्त के लिए दुआ कर दे। जी मैं करवाती हूँ। ठीक है थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, जनाब दुआ करें जफर इकबाल भाई के जो दोस्त हैं कि अल्लाह उन्हें शफा अता फरमाए और वह जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि किसी की एक की भी आमीन जो होती है वो लग जाती है और दुआएं लग जाती हैं। जनाब तो दुआ जरूर करिएगा कि इनको अल्लाह शफा अता फरमाए और वो ठीक हो जाएं। जनाब देखते हैं और हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से? जी कलसूम कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका शुक्रिया बहुत शौक से सुनती हूँ। बहुत शुक्रिया कलसूम आपका। अब कौन है तो कॉल ही लगा लेती हूँ। टॉपिक मेरा ये है, कल रात क्या खाया था आपने? लास्ट में रात में हमने दाल कीमा खाया था। क्या खाया था? दाल कीमा। चले जी दाल कीमा है मतलब हमारे साथ। इस टाइम एम क्या है जिंदगी का, क्या बनना चाहती हो लड़की? जी? क्या बनना चाहती हो जिंदगी में, क्या ख्वाब है कि मैं ये बनना चाहती हूँ? मैं वैसे तो फौज को आर्मी में जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ इतनी पढ़ाई की नहीं है ना कि हमें पढ़ाया नहीं जाता। अच्छा तो अभी मैट्रिक करके बस करके काम ही करा लेंगे। चलो कोई नहीं, अल्लाह करेगा तुम चली जाओ, थोड़ी कोशिश करो तो चली जाओगी। आप मेरे गाने लगा सकती हैं, प्ले करवा दूंगी माहीन को कह के। ये अभी 10:30 बजे तक फोन आया, मैं 5 मिनट रह गए टोटल, तो लाइव कॉल शामिल करनी है हमने। ठीक है ठीक, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया कलसूम थी हमारे साथ जनाब शाहपुर से, और बहुत शुक्रिया इनका कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब कौन कहाँ से? मैं बिस्किट बात कर रही हूँ, टेस्टी वाला। सादिया बिस्किट कैसी है आप? ठीक है? हाँ जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए आपका क्या हाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अबाउट टॉपिक क्या कहना चाहेंगी, क्या एम है आपकी जिंदगी के? फिलहाल मेरा एम है कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लूँ। गुड, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जब तक आप गुस्से में कंट्रोल नहीं करते आपके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। हाँ जी ये अभी फिलहाल एम है, बाकी एम आपको पता है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सादिया। अल्लाह हाफिज। जी जनाब ये सादिया थी हमारे साथ, नहीं बल्कि बिस्किट थे हमारे साथ जहराबाद से, और इनका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैडम खजूर बात कर रहा हूँ खुशाब से। जी खजूर कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह ताला की जात का करम है। आपको प्रोग्राम सुन रहा था, मैंने कहा चलो आपने हमें का साथ दिलाऊं कि खजूर भी आपको खुशाब सुन रहे। जी मैं पहचान गई हूँ आपको भाई, और कैसे आप? ठीक है। नहीं नहीं आप शायद गलत बोल रही हैं, मैंने तो आपका नाम ही नहीं बताया, मैंने तो आपको ये बोला कि मैं खुशाब से खजूर बात कर। जी मैंने पहचान लिया खजूर। अब मैं ठीक है जी, आपने पहली बार मेरे कॉल की है शो में, तो बता दें आप कौन है वैसे, खजूर के साथ आपका क्या इंट्रोडक्शन होगा? जी वैसे तो मुझे खुशाब से सुना जाता है, नूरी हजूरी मोहल्ला में रहता हूँ, वहाँ से सुना जाता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, समीर हुसैन अंजुम। नहीं नहीं खजूर, आज आपने नाम नहीं पूछना, आज तो वो आप अच्छा चले खजूर बताए अबाउट टॉपिक, क्या बनना चाहते थे?
बनने के लिए तो बहुत सारी ख्वाहिशें थी, लेकिन अब तो ये चाहता हूँ कि ऐसा इंसान बन जाऊँ कि अल्लाह ताला की जात को पसंद आ जाऊँ बस, क्योंकि लोग तो वैसे राजी होते नहीं हो, तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, ऐसा बन जाऊँ कि अल्लाह ताला की जात को पसंद आ जाऊँ बस। बहुत खूबसूरत बात आपकी। तो ये गाना आप इंडिया का चलाएंगे? खैर कोई नहीं, इंडिया का सॉन्ग प्ले किए, पुराने सॉन्ग प्ले किए हुए हैं। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से कॉल मिलाई है मैंने। बहुत शुक्रिया जबीर भाई, जीते रहे। भाई कह रहे थे ना कि हमारे दोस्त बीमार है, और वो यकीन माने वो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त है, मोहम्मद हाशमी साहब सरगोधा में होते हैं, तो उनके लिए भी मैं दुआ अल्लाह ताला उनको सेहत कामला। आमीन आमीन। कितने लोग अस्पताल में जहाँ कहीं भी बीमारी, सबको अल्लाह ताला शफा दे। आमीन आमीन। बिल्कुल जबीर भाई, जितने भी हॉस्पिटल लोग आमीन जरूर कहते हैं, क्योंकि वो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त है जी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये टाइम खत्म होने वाला है, मैं भी जाना चाहूंगा आपसे मैडम। ओके अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये थे हमारे साथ खजूर खुशाब से, और इनका बहुत शुक्रिया, हमेशा मेरे शो में शामिल होते हैं। जमीर भाई बहुत शुक्रिया आपका, जीते रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? जी तनवीर हुसैन भाई, आप बहुत अरसे के बाद नहीं मेरे शो में शामिल हो रहे हैं? जी हाँ, तकरीबन दो एक माह के बाद शामिल हो रहा हूँ। तो आप किधर गायब थे? इधर ही थे, आज बस कुछ मसरूफियात थी, इसलिए कोई प्रोग्राम नहीं सुन रहा। पहली बार फोन किया तो फिर आपकी का शो सुना है। अच्छा चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तो क्या सुनाएंगे आज आप फिर? आज आपको सुनाएंगे, शेर सुनाना चाहता हूँ पंजाबी में है। जी जी सुनाए जल्दी जल्दी से। अच्छा सब सुनने वालों को सलाम। रात को मैंने आलू कीमा खाया था। जी ठीक है, मतलब आलू कीमा हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं याज अहमद, मोहम्मद इरफान और रफीक अहमद। थैंक यू वेरी मच सर, सबका बहुत शुक्रिया। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर। ये हमारे साथ तनवीर हुसैन भाई थे जनाब, रेगुलर लिसनर है हमारे, लेकिन काफी अरसे से अंदर से गायब थे। ये अब लास्ट कॉल थी मेरी। इकरा कहती है जनाब के अगेन सॉन्ग प्ले कर दे, मैंने रिकॉर्ड करना है। इकरा जी 103.6 पे आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जब मैं जहाँ से जाऊँगी, शो मेरा भी खत्म होने वाला है, तो इसके बाद आप वहाँ से सॉन्ग जो है रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा। पोइट्री भेजी है जनाब के, तुमने छोड़ा मजबूरी थी, हमने छोड़ा बेवफा हो गए। वाह क्या बात है, लेकिन नाम लिखना आई थिंक भूल गए हैं। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया मैसेज करने का, खुश रहे सारे, हंसते मुस्कुराते रहे, अपने से अपने और रेलिवेंट हर इंसान का बहुत ख्याल रखा करें। गुस्से और नाराजगी छोड़ दे, कभी किसी से मिलने का दिल करे तो मिल लिया करे, बात करने का दिल करे तो कॉल कर लिया करे। एंड पे जनाब एक छोटी सी गजल आपके सीस समातों की नजर करेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से। हमारा सॉन्ग तो जनाब खत्म हो चुका है, तो सॉन्ग चेंज कर देते हैं।